जनपद में पर्यटकों की सुविधाओं के साथ ही उनके मनोरंजन को लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार की तैयारियां की गई हैं। इसी क्रम में नगर निगम गोरखपुर द्वारा गुरु श्री गोरक्षनाथ घाट पर बोटिंग, फूड कोर्ट व मनोरंजन पार्क की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। साथ ही पर्यटक अब गुरु श्री गोरक्षनाथ घाट पर शिकारा फैमिली बोट के माध्यम से सैर कर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। लाइटियाँ सीधे पड़ रहे नहीं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिकारा बोट के संचालक अमर निषाद ने बताया, यहाँ कहीं नहीं चलती है, अभी हम लोग पहली बार यहाँ चलाएंगे, अभी यूपी में पहली बार है ये। इससे पहले कहाँ कहाँ चलती थी? ये जम्मू में चलती है, डल झील में चलती है शिकारा, वहाँ विदाउट इंजन के चलती है। ये हम लोग यहाँ चूँकि यहाँ भत्ता हुआ पानी है तो इसमें हम लोग छोटा सा इंजन लगा के चलाएंगे। इसकी खासियत क्या है, मतलब इसमें कैसे? ये फैमिली बोट बहुत धीरे धीरे चलेगी, बहुत आराम से रिलैक्स होके, इसमें बैठने की व्यवस्था अच्छी है। उसमें आप देखेंगे मसलन वगैरह सारा लगा हुआ बैठने के लिए, फैमिली में छोटे छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, पूरी फैमिली एक बार बैठ के आराम से इंजॉय कर सकती है। लगभग कितने लोग बैठ सकते हैं एक बार में? 5 से 7 लोग। 5 से 7। इसके अलावा भी कोई बोट आ रही है? अभी एक स्पीड बोट हम लोग और मंगा रहे हैं जो 8 सीटर है, वो भी 2-4 दिन में आ जाएगी, उसके साथ ही दोनों संचालन चालू हो जाएगा। जैसे ये पर्यटक के क्षेत्र में विकसित हो रहा है तो इसके लिए और भी क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, कब तक चालू हो जाएगी? अभी काफ़ी हम लोग तैयारी तो कर रहे हैं, फन जोन है, बाकी मिक्की माउस वगैरह आ गया है, वो भी चल रहा है। अभी रामघाट हम लोग चालू करने जा रहे हैं, अगले 2-4 दिन में हम लोग जैसे ही नगर आयुक्त साहब हरी झंडी देंगे उनके द्वारा संचालन चालू कर दिया जाएगा वहाँ पर भी, और ये बोट वहाँ से भी चलेगी, यहाँ से भी चलेगी, दोनों घाटों पर से पर्याप्त रूप से चलती रहेगी। तो गोरखपुर के वासियों को भी मिलेगा जम्मू कश्मीर की तरह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू कश्मीर का मज़ा यहाँ रापती में मिलेगा।